हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की ये वीडियो में हम अपनी बाइक में जो है डिजिटल मीटर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये डिजिटल मीटर कुछ इस टाइप का है, तो काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल चार वायर्स है, चार वायर्स का आपको जो है इसका कनेक्शन करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मीटर में जो आपका स्पीड सेंसर होता है, इसमें सेंसर नहीं है। आपकी जो स्ट्रोक वाली, जैसे इंडियन जो बाइक्स आती हैं जो छोटे वाली, जिनमें कि सेंसर नहीं लगा रहता, जिनमें कि केबल लगी रहती है, तो उनके लिए परफेक्ट मीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो मीटर वाली केबल है वही यहाँ पर इस कनेक्टर से सेम है यहाँ पर, तो स्टोक वाला जो आपका मीटर की केबल है वही यहाँ पर जो है लग जाएगी। तो क्या यहाँ पर ये एक बटन लगा हुआ है इसके जस्ट पीछे, तो ये सभी फंक्शन को इसके कंट्रोल करता है, इसकी लाइट वगैरह को और बाकी के फंक्शन को भी यही कंट्रोल करता है। और क्या यहाँ पर जो इसके टोटल चार वायर्स है, इनका मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर टोटल चार वायर्स हैं। ये जो ग्रीन वाली वायर है ये नेगेटिव में जाएगी, और इसी के साथ जो ब्लैक वाली वायर है वो आपके पॉजिटिव में जाएगी। तो गाइस इतना करने के बाद आपका जो मीटर है वो चलने लगेगा, और जो बाकी की दो वायर्स है, एक ब्लू और एक ब्लैक में थोड़ी रेड सी वायर है, वो जाएगी आपके आरपीएम मीटर में। जो ब्लैक में थोड़ी रेड है वो आरपीएम मीटर में जाएगी, और जो ब्लू वायर है वो आपका जो फ्यूल सेंसर है उसमें जाएगी। तो चलिए अभी इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक में। तो गाइस सबसे पहले इसका जो स्टोक वाला मीटर है उसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। हर के हिसाब से अलग अलग होगा, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो कैसे आप देखते हैं, मैंने अभी इसके जो सभी बोल्ट है, तीनों बोल्ट जो है इसके खोल दिए हैं, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मीटर अभी डिसअसेंबल हो चुका है। अभी का इसकी जो ये केबल है इसको निकाल देता हूँ मैं, और साथ में इसकी जो वायर्स है जो उनको मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको मैं पहले कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस अभी मीटर की फिटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक की प्लेट है, इसमें जो है तीन टोटल जो है नट बोल्ट लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो दो नट है इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ, उसके बाद इसके मीटर को लगाता हूँ। और क्या यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके साथ कोई भी आपको नट बोल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको जो है आफ्टर मार्केट ही आपको लेने पड़ेंगे। तो 10 नंबर के यहाँ पर मैं नट बोल्ट को यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में आपको इसकी जो वॉशर है वो भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनके होल थोड़े बड़े हैं इसलिए। तो गाइस ये अभी लग चुकी है, अब इसके मीटर को इंस्टॉल करते हैं। तो मीटर को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तीसरे जो बोल्ट की जो यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर इसको लगा दूंगा मैं। तो इसको जल्दी से मैं पहले फिट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो स्पीड वाली केबल है उसको लगाते हैं। तो क्या ये अभी लग चुका है, अभी इसकी जो स्पीड वाली केबल है वो यहाँ से निकल जाएगी, ये वाले होल से जो स्टोक वाला पहले जहाँ पर होल था इसका, तो वहाँ से इसको निकाल के मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो क्या ये अभी लग चुका है, अभी इसका जो है कनेक्शन करेंगे हम। तो क्या जैसे कि आप देखते हैं एक ब्लैक वायर है और एक ग्रीन वायर है, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव की है। जो आपकी ग्रीन वायर है वो नेगेटिव में जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि या तो आप इसको जो है बॉडी से अर्थ भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है नेगेटिव वायर कोई भी ढूंढ लीजिएगा बाइक में, उसमें आप जो है ग्रीन वायर को पहले लगा दीजिएगा। और रही बात ब्लैक वायर की, तो ब्लैक वायर होती है पॉजिटिव की, वो आपको लगानी है जो हैंडल का ऑन ऑफ करने वाला लॉक होता है, उसमें एक वायर ऐसी रहती है जिसमें कि 12 वोल्ट का करंट आता है जब आपका जो इग्निशन का लॉक है वो ऑन पे रहता है। तो वो या तो आप वो वायर को ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिलती तो स्प्लेंडर प्लस बाइक में जो ब्लैक वायर होती है वो होती है ये हैंडल ऑन ऑफ, जैसे आप लॉक को करते हो तो उसमें जो है करंट आ जाता है 12 वोल्ट का। तो ब्लैक वायर में आप जो है ब्लैक को लगा सकते हैं इसमें। तो अगर आपकी कोई और वायर है तो आपको ढूंढना पड़ेगी कि आपका जो हैंडल का ऑन ऑफ करने वाला लॉक है उसमें से आपको जो है निकालनी पड़ेगी, तो एक बल्ब की मदद से आप इजीली निकाल पाओगे। खैर इस बाइक में तो सिंपल है, तो इसमें मैं पहले इसको जो है लगा देता हूँ। तो क्या जैसे कि आप देखते हैं मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का कनेक्शन अभी कर दिया, अभी एक बार इसको जो ऑन करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक है इस मीटर की, और इसका जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं बीच में चेंज हो रहा है। तो इसको जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस कलर को जो है आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था छोटा सा बटन है इसके पीछे, तो उसकी मदद से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इसका जो ओडोमीटर है उसकी भी सेटिंग आप जो है चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो गाइस अब देखते हैं अभी इस मीटर का जो है कलर चेंज हो रहा है, और गाइस इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप जहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी फंक्शन रहते हैं, इस मतलब एक ही बटन में आपको एक बार अगर प्रेस करोगे इसके तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर इसको आप जो है लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो इसका आगे वाला फंक्शन आ जाएगा। जैसे अब मैं इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो ऑडोमीटर की स्पीड वाला जो फंक्शन है वो आ गया है। तो इसमें काफ़ी फंक्शन है। तो चलिए गाइस जो दो बाकी की वायर रह गई हैं, एक ब्लू वाली और एक ब्लैक और बीच में एक रेड की पट्टी है, तो इन दोनों वायर का कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इनको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। तो गाइस इसकी टैंकी को मैंने उठा दिया है ताकि इग्निशन कॉइल जो आपको साफ दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पॉजिटिव वाली वायर है वो आपको निकालनी है और उस पर आपको जो है आरपीएम मीटर का कनेक्शन करना है। तो आरपीएम मीटर वाली जो वायर है उसको मैंने एक्सटेंड करके जो है ब्लैक कलर की वायर से इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो सेम कलर की मेरे को वायर नहीं मिली। तो इसको मैं यहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्मिनल में लगा के इसको वापस से बंद कर देता हूँ इग्निशन कॉइल की जो थिम्बल को। तो क्या इससे हमारा जो है आरपीएम मीटर चलना चाहिए, तो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो क्या आप देखते हैं ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो अभी हमारा आरपीएम मीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी इसका जो फ्यूल सेंसर का जो वायर है वो लगाते हैं हम। तो गाइस आप देखते हैं ये जो टंकी के नीचे एक वायर लगी होती है वो उसमें जो कपलर है उसको मैं निकालता हूँ, तो इसमें दो वायर्स हैं आप देखते हैं यहाँ पर, एक येलो कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। तो आगे से जो मीटर हमने लगाया है उसमें जो ब्लू कलर की वायर आ रही है उसको हम येलो कलर की वायर में इंसर्ट करेंगे, तो इसको मैं कर लेता हूँ उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो गाइस बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा पेट्रोल डाल देता हूँ इसमें, उसके बाद मैं आपको मीटर चेक करवाता हूँ। तो चलिए गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस आप देखते हैं एक लाइन अभी आ चुकी है पेट्रोल की, इसका मतलब इसका फ्यूल मीटर भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो गाइस अभी इसको जो एक बार टेस्ट करते हैं इसके स्पीड मीटर को। तो गाइस आप देखते हैं इसकी जो मीटर की विजिबिलिटी है वो काफ़ी क्लियर है, मतलब धूप में भी आपको जो है एकदम क्लियर दिखाई देता है, और इसका कलर जो है धूप में चेंज हो जाता है। धूप में इसका कलर मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन आपको देखने में थोड़ा ऐसा होता है कि जो इसके नंबर्स आ रहे हैं वो वाइट कलर के आपको दिखाई देते हैं और जो बाकी का मीटर है वो ब्लैक कलर का आपको जो है दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छा ये देखने में है, और जितना अच्छे ये देखने में स्टाइलिश है उतना ये इसमें जो है खूबियाँ हैं, मतलब ये प्रॉपर काम करता है, आपको कोई भी ऐसे कुछ अलग से आपको जुगाड़ नहीं लगाना पड़ता इसका। तो सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है, चार वायर्स है टोटल इसमें। और गाइस यहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको जो है कोई लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, जैसे कि इंडिकेटर वगैरह वाली जो मीटर में लाइट्स वगैरह होती हैं वो आपको कोई नहीं मिलेगी। तो ये बात के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही, और बाकी जो मीटर है इसमें कोई भी जो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस इसका प्राइस जो है 1300 कुछ समथिंग है, मतलब 1300 कुछ है, मतलब इसका प्राइस है अभी, और शिपिंग वगैरह डाल के आई थिंक ये 1500 से नीचे आपको ये मिल जाएगा। और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको परचेस करना रहेगा तो आप वहाँ से जाके इसको जो है परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।